पृथ्वी के अनेकों पर्वत क्षेत्रों जैसे कैलाश पर्वत, सम्मेद शिखर, गिरनारजी, मांगी तुंगी, सोनागिर, कुंडलपुर, द्रोणागिर, सिद्धवर कोट इत्यादि अनेक जगहों से अनेकों मुनिराजों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। उन्हीं में एक यह ऐतिहासिक सिद्ध क्षेत्र है गोपाचल पर्वत। ईसा पूर्व करीब 3000 वर्ष प्राचीन इस पर्वत से नेमिनाथ भगवान के कालखंड में सुप्रतिष्ठित केवली भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था, जिनका वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मध्य में स्थित इस क्षेत्र ने अनेकों काल परावर्तन देखे हैं और आज भी जैन दर्शन की अनुपम छवि को दिखलाता हुआ यह पर्वत अपनी आभा से दर्शनार्थियों को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देता है। पर्वत की तलहटी पर मूलनायक पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित दो जैन मंदिर विद्यमान हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर भगवान और सुप्रतिष्ठित केवली भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। बाईसवें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के उपरांत 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के शासनकाल में जैन श्रावकों ने गोपाचल पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ, केवली भगवान और 24 तीर्थंकरों की 9 इंच से लेकर 57 फुट तक की हजारों की संख्या में प्रतिमाएं बनवाई थी। यहां जैन तीर्थंकरों की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं देखने को मिलती है। हिंदुत्व की महिमा को दिखलाते हुए यह आलिशान पर्वत 5000 वर्षों से जैन दर्शन को गौरवान्वित कर रहा है। वर्तमान में ग्वालियर जैन समाज कमेटी और पुरातत्व विभाग द्वारा यहां का रखरखाव किया जा रहा है। पर्वत के मार्ग में छोटे छोटे उद्यान विश्राम हेतु बने हुए हैं। यहाँ पिकनिक इत्यादि समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि यह एक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ की गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी प्रकार की खानपान की वस्तुएं पर्वत पर ना लेकर जाएं।
अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक अति प्राचीन जैन तीर्थ क्षेत्र में। इस पर्वत पर हजारों की संख्या में जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ये प्रतिमाएं मध्य पर्वत को तराशकर बनाई गई हैं। काल परिवर्तन के समय सन 1557 में जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपाचल पर अधिकार किया, तब उसने इन विशाल मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसका उल्लेख बाबरनामे में भी आता है। दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम कोई दूसरी दुनिया में आए हो, क्योंकि यहाँ हर तरफ बेमिसाल नक्काशी के साथ छोटी बड़ी जिन प्रतिमाएं बनाई गई है, जिनके साथ जिन शासन के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाई गई है। विदित रहे कि ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले से इसी तरह की प्रतिमाओं को बनाए जाने का उल्लेख मिलता है।